रोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम फिराक गोरखपुरी साहब की गजल का बचा हुआ दूसरा हिस्सा जो है उसकी व्याख्या करेंगे। इसके पहले हम इसी गजल के पहले पांच शेरों की व्याख्या कर चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं फिराक गोरखपुरी की गजल की दूसरे हिस्से की व्याख्या। शेर सुनिए, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। फिराक साहब कहते हैं कि अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे कुछ तो तुम्हारे दुख का ख्याल है और कुछ इस दुनिया का लिहाज है कि अगर मैंने अपने मन के भावों को व्यक्त कर दिया तो दुनिया में तुम्हारी बदनामी होगी और दूसरा मेरे तकलीफ को जान करके तुम्हें दर्द होगा, दुख होगा। इसलिए इन दोनों कारणों से मैं अपने दर्द को सबसे छिपा कर रखता हूँ, किसी से नहीं कहता, चुपचाप रो लिया करता हूँ। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि चुपके चुपके एक शब्द दो बार आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ पर। और अब हम दूसरा वाला शेर देखते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो ले हैं। तो इस शेर में हम देखते हैं कि कवि कहते हैं फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। इसका अर्थ है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क का सौंदर्य और प्रेम का जो वातावरण होता है उसका यह स्वभाव होता है। फितरत यानि स्वभाव और तवाजुन यानि संतुलन, ये इन दोनों चीज़ों में बड़ा संतुलन रहता है कि अगर आप कोई हुस्न इश्क को पाना चाहता है या इश्क हुस्न को पाना चाहता है तो दोनों के बीच में इस बात का संतुलन रहता है। ये प्रकृति ने कर रखा है कि जो अपने आप को जितना खोएगा वही दूसरे को उतना ज़्यादा पाएगा। अर्थात जब तक अपने आप को आप विस्मृत नहीं करेंगे, उसमें डुबा नहीं देंगे, तब तक उसके प्राप्ति का एहसास आपको नहीं होगा। आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि उन लोगों को जो कहते हैं कि फिराक साहब आपके शेर में तो क्या चमक है, क्या दमक है, क्या अद्भुत बात इसमें कही गई है, वाह, तो उनसे कह रहे हैं फिराक साहब कि भैया आप हमारे अशआर, हमारे इन विचार भावों शेरों में के अंदर जो चमक है, जो दमक है, आब और ताब है, उसके लिए आप खुद ठीक से देख सकते हैं क्योंकि आपके पास भी आंखें हैं। आप खुद पहचानिए कि ये मेरे शेरों की चमक है या असल में मेरे अंदर जो दर्द है उससे छलके हुए मोती रूपी जो आंसू हैं वो चमक रहे हैं। तो कवि यहाँ पर अपने दर्द को अभिव्यक्त करता है और वह बताता है कि हमारी तकलीफ जो है वो सामने
शेर बन करके आती है और उसकी तारीफ होती है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। फिराक साहब इस शेर में कहते हैं कि जब लोग शराब खाने में शराब पीने के लिए जाते हैं, उस समय शराबियों को तू तू यानी खुदा इस तरह याद आता है जैसे रात के होने पर आसमान में फरिश्ते आकर के लोगों के पाप की किताब को खोल करके और सामने रखते हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है क्योंकि दो चीज़ों में तुलना हो रही है। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ाली ये आवाज़, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ाली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दे में तो मीर की गज़लें बोले हैं। फिराक साहब कहते हैं कि लोग कहते हैं हमसे कि साहब क्या अद्भुत आपका यह शेर है, ये गज़ल आप जो कह रहे हैं, इस पर तो हम फिदा हो रहे हैं। सदके जाना यानी फिदा हो जाना, अपने आप को खो देना, पर आपने ये सब उड़ाया कहाँ से है, ये आपका तो लगता नहीं। आप जो गज़लें कहते हैं इसके पीछे से मीर तकी मीर साहब जो एक बहुत बड़े आलमी शायर हुए हैं उनका विचार दिखाई देता है, उनके शेर दिखाई देते हैं, उनका भाव दिखाई देता है, तो फिराक साहब ये आप कहाँ से ले आए। कहने का तात्पर्य है कि फिराक की गज़लों और शेरों का स्थान भी मीर तकी मीर के शेरों के बराबर है। तो ये थी हमारे फिराक गोरखपुरी साहब, जिनका पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी है, उनकी गज़ल के दूसरे हिस्से की व्याख्या, और आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी एक वेबसाइट भी है और उस पर जाने के लिए आप अगर वेब लिंक तलाशना चाहें तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसके जरिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और जो कुछ हम यहाँ आपको बता रहे हैं इसका टेक्स्ट भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा पैदा होती हो, जानना चाहते हो, तो अपने उस भाव को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उत्तर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।